आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई एक तरह से इन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दा बनी हुई है, तो यहाँ पर जो सीट है वहां पर आप आमने सामने की टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देख रहे हैं। एनडीए और इंडिया तो है लेकिन ये दो पार्टियों के बीच, साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वहां की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। चित्रा त्रिपाठी वहां से हमारे साथ हैं, कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी यानी इकलौते सांसद जिन्हें रिपीट किया गया है, तीसरी बार वो टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और श्वेता यही सबसे बड़ी कामयाबी रही है उनके बीते दिन की कि छह लोगों के टिकट जब काट दिए गए तो एकमात्र मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन कन्हैया कुमार कड़ी और पड़ी टक्कर देने के लिए यहां पर पूरी तरह से क्या तैयार हैं ये बड़ा सवाल है। लेकिन उदासीनता बहुत ज्यादा है श्वेता, मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ी हुई हूं यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है, इक्का दुक्का लोग इस वक्त जाकर अंदर वोट डालकर बाहर आ रहे हैं, जो अपने आप में कम से कम राजधानी दिल्ली के लिए कतई अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती, क्योंकि दिल्ली वाले शिकायत करने में बड़े आगे रहते हैं लेकिन जब वोटिंग की बात होती है तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है, किस तरह की उदासीनता का वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन श्वेता हम सब जानते हैं कि किस तरह से, देखिए कन्हैया कुमार बेगूसराय के हैं, पिछली बार 2019 का चुनाव उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था जहां पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरने के बावजूद वो वहां पर 22% वोट हासिल करते हैं और 56% के साथ गिरिराज सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो बाजी मार ले जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा अंतर था। अब उसी अंतर को की बात करते हुए यहां पर मनोज तिवारी की ओर से कहा जाता है कि बेगूसराय का आप रिजल्ट देख लीजिए क्या स्थिति रही थी, और वही स्थिति कन्हैया कुमार कि यहां पर भी रहने वाली है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग पार्टियों के वोट प्रतिशत जब आपस में जुड़ेंगे तो यकीनन एक बड़ी चुनौती यहां पर देने की कोशिश मनोज तिवारी की ओर से मनोज तिवारी के सामने की जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए हमने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल यहां पर आए और कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए, ये कहते हुए कि रिंकिया के पापा को हराना है। अब रिंकिया के पापा का क्या भविष्य होगा, उन्होंने महिलाओं की बेटियों की अस्मिता से जुड़ते हुए सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था श्वेता, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई यहां की बेहद दिलचस्प है। दो बार के सांसद हैं मनोज तिवारी, हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, बड़े सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पहले दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष थे बाद में उनकी कुर्सी छिन गई, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे और टिकट पाने में कामयाब रहे, ये सबसे बड़ी उनकी कामयाबी रही, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे दिग्गज थे जिनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में इस बार की लड़ाई कितनी रोचक होती है, कन्हैया कुमार क्या वास्तव में बड़ी टक्कर दे पाएंगे या फिर बेगूसराय का जैसा रिजल्ट रहा था वही स्थिति बनी रहेगी। बड़ी बात के साथ आपने शुरुआत की कि यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर इन चुनावों की शुरुआत में देखा गया कि मनोज तिवारी इकलौते सांसद रहे जिन्हें एक बार फिर टिकट दिया गया, लेकिन जिस उदासीनता की बात आप कर रही हैं अपनी सीट पर, मैं कहूं यहां ईस्ट दिल्ली में तो लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में, सुबह से हम देख रहे हैं, सुबह तो बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन यहां पर थी, करीब 7 से 8 के बीच बहुत अधिक संख्या में लोग आए थे, अभी भी अगर आप इस तरफ मोशन कैमरा करके आप दिखाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में लोग आते हुए जाते हुए दिखेंगे, वॉलंटियर्स भी हैं जो व्हीलचेयर पे जो बुजुर्ग हैं या जो सक्षम नहीं है उन सबको लेकर जाने में, हालांकि गौतम गंभीर यहां से हुआ करते थे सांसद, उनकी जगह इस बार टिकट हर्ष मल्होत्रा को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कहा कि गौतम गंभीर चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर केंद्रीय नेतृत्व या इंडिया गठबंधन या एनडीए उसको लेकर लोगों में ज्यादा रुचि नजर आती है कि वहां पर दिल्ली की में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बहरहाल नेहा बाथम दक्षिण दिल्ली से हमारे साथ हैं, नेहा बताएं, वैसे तो सबसे पॉश दिल्ली का हिस्सा वही माना जाता है दक्षिण दिल्ली, समस्याएं भले बुनियादी हो जाती हैं वहां की पानी की, लेकिन इसके बावजूद जो आम वहां का वोटर है वो मन में क्या ठान कर आ जाया है। देखिए श्वेता, दक्षिणी दिल्ली की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, यहाँ पर रमेश बिधूड़ी दो बार से सांसद रहे लेकिन तीसरी बार उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी को मौका दिया गया है उनकी शायद लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि 10 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट्स हैं वो 10 के 10 उन्हीं के पक्ष में गए थे, लेकिन उनके खिलाफ सहीराम पहलवान है, सहीराम पहलवान भी तुगलकाबाद से दो बार असेंबली चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम भी जानते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जैसा कि आपने कहा पॉश इलाका है, यहाँ जब से मैं खड़ी हूँ सिर्फ मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेक्सस ये तमाम लग्जरी गाड़ियां से लोग उतर रहे हैं, हाई प्रोफाइल जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो शायद लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिजाइनर कपड़ों और डिजाइनर चश्मों में लोग उतर रहे हैं शायद वो चश्मे से सिर्फ पार्टी सिंबल को ही देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस खास तौर पर दक्षिणी दिल्ली की सीट पर जब तक वो ईवीएम मशीन पर नहीं पहुंचेंगे उन्हें कैंडिडेट
कैंडिडेट का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो नए उम्मीदवार हैं और जो आपकी तरफ से भी उम्मीदवार हैं उनका नाम भी यदा कदा यहाँ पर ही लोगों ने सुना होगा, इसलिए यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है श्वेता, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं से किसी को मतलब नहीं है, सब आराम से अपने अपने बंगलों में, बहुत ही पॉश यहाँ पर जो जिस सोसाइटी में मैं खड़ी हुई, जीके का इलाका है, यहाँ पर एक से एक बढ़कर मकान है, बंगले हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, जो फ्लैट्स हैं उसमें किसी सुविधा की कमी नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर मुद्दे तो है नहीं, तो किस आधार पर लोग वोट करते हैं, क्योंकि पार्टी सिंबल उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने देखा है कि सातों सीटें यहाँ पर जब बीजेपी जीतती आई है, पिछली बार का जो रिजल्ट रहा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का पलड़ा खास तौर पर अर्बन क्लास जो पॉपुलेशन होती है उसके मद्देनजर भारी दिखाई देता है, क्योंकि 54% वोट रमेश बुधड़ी को मिले थे पिछली बार, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहां पर जीत हासिल की थी, उसके बाद उनको तीसरी बार यहां से टिकट नहीं दिया गया है। रामवीर सिंह बुधड़ी पर लोगों ने अपना, बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है, लेकिन रामवीर सिंह बुधड़ी लोगों के बीच यहाँ पर वोट मांगते यदा कदा अगर अपने चुनावी कैंपेन में दिखाई दिए होंगे, लेकिन एक मायूसी, एक सुस्ती सी यहाँ पर भी इस वोटिंग बूथ में नजर आ रही है। सुबह जब मेरी यहाँ पर मौजूदगी थी तकरीबन 12 बजे, तब तो फिर भी बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे थे, लेकिन अब इस वक्त तकरीबन 3 बजे यहाँ पर इक्का दुक्का, अगर आप आधे घंटे में गिनती कर लें तो 10 से 15 लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे वोट करने के लिए। तो हो सकता है शाम के 6 बजे तक थोड़ा सा यहाँ के लोग योगदान करें दिल्ली का मतदान प्रतिशत बढ़ाने में, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ये कश्मीर के लिहाज से भी, जैसा कि अंजना बता रही थी, बहुत कम है, तो ये सोचने की वजह होनी चाहिए लोगों के लिए। मैंने तो देखा कि मैंने सोचा कि धूप का फायदा उठाकर आऊं, और मुझे लगता है कि सारे दिल्ली के वोटर जो हम सब के बीच खड़े हैं वो सब अपनी उंगली पर वो निशान, वो स्याही का निशान जरूर दिखाएं, क्योंकि आज का सबसे खूबसूरत निशान यही होता है, लोकतंत्र की विजय का निशान ये होता है जब आप वोट देकर निकलते हैं। तो मैं तो दोपहर के समय फायदा उठाकर आ रही थी कि शायद धूप की वजह से कोई ना हो, लेकिन यहां पर उस समय भी भारी भीड़ रही वोट डालने के लिहाज से। बहरहाल दक्षिण दिल्ली से बिल्कुल विपरीत मिजाज के हिसाब से चांदनी चौक की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां से अर्पिता आर्या इस समय हमारे साथ जुड़ रही है। अर्पिता, कह रहे हैं कि यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है दिल्ली में। बिल्कुल, और देखिए सातों सीटों की लड़ाई है, क्योंकि पिछली बार सातों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार माना जा रहा है कि कहीं कहीं टफ फाइट भी हो सकती है, क्योंकि मामला अब त्रिकोणीय नहीं रह गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ आकर लड़ रहे हैं, इसलिए मामला जो है वो द्विकोणीय है, यानी एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीधे तौर पर दिख रही है। लेकिन दिलचस्प चीज यहां पर आपको बताऊं श्वेता, इस लोकसभा सीट यानी चांदनी चौक को लेकर कहा जाता है कि जो यहां से जिस पार्टी का नेता चुना जाता है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, चाहे 4 और 9, 2004 और 2009 में कपिल सिब्बल यहां से जीते थे तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर 2014 में हर्षवर्धन जीते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो दिलचस्प इस हिसाब से भी ये सीट है, यहां से कौन जीतता है किस पार्टी का उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता रहा, इतिहास रहा। लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प है। यहां एक तरफ जेपी अग्रवाल है, दूसरी तरफ प्रवीण खंडेलवाल है। जेपी अग्रवाल एक अच्छे अनुभवी राजनेता के तौर पर उनको कहा जा सकता है, प्रवीण खंडेलवाल राजनीति के तौर पर नए हैं, व्यापारी हैं, नए जरूर हैं, लेकिन अच्छी चीज उनके लिए ये रही कि उनको पहले उतार दिया गया तो तैयारी अपनी कर पाए, प्रचार का उनको अच्छा समय मिल गया। तो ये सारे इश्यू हैं। बाकी मैंने 7 सीटों पर लगातार कवरेज की है, लोगों जनता के मुद्दे जाने, तो यहाँ पर लोकसभा को भी लोग कई बार, जैसे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो वो विधानसभा से मैच कराकर देख लेते हैं, ये सारी यहाँ पे चीजें हैं। लेकिन जब चुनाव यहाँ प्रधानमंत्री चुनने का है, सांसद चुनने का है, तो लोगों के मुद्दे जो है बुनियादी मुद्दे, खासतौर पर जैसे आप अभी गिना रही थी कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब भूलकर ऊपर उठकर मतदान करते हैं। लेकिन मतदान की बात छोड़िए, तो जरा आपको दिखा लूं यहां पर ये पोलिंग बूथ जो है एकदम खाली है, दोपहर का समय है, लग रहा था कि 3 बजे से शायद भीड़ भरे, इक्का दुक्का जरूर आपको यहां पर श्वेता जी दिख रहे होंगे लोग, कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो एसी में बैठकर कंप्लेन जरूर करते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, लेकिन जब सरकार चुनने की बात आती है तो अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में अपील जरूर की जा सकती है कि जरूर निकलिए, मतदान कीजिए, केवल निंदा करने से कुछ सुधरेगा नहीं, मतदान करने से हाँ जरूर कुछ सुधर सकता है।